चाहिए। आज तक मैंने कहा तुमने पॉलिटिशियनों ने बिजली का तार पकड़वा कर मरवा दिया है, मैं तुम्हें पानी पहुंचा करके जिंदा रखना चाहता हूं। और आप हैरान हो जाएंगे, मेरे अपने साथी अनशन पर बैठ गए थे, मेरे अपने लोग हर गांव में पुतला जलाते थे, किसान की नाराजगी मोदी को कहां ले जाएगी, इस प्रकार की चर्चा थी। और चुनाव में मुझ पर दबाव था, अगर आप बिजली का माफ कर दीजिए, मैंने कहा मैं पानी के लिए सब कुछ करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, शुरू में जो लोग मेरी बात को नहीं मानते थे, जब अनुभव करने लगे, आज वो भी इसके वकील बन गए हैं। पर ड्रॉप, मार्कअप, ड्रिप इरिगेशन, पानी बचाओ, पानी पहुंचाओ, इसमें ऐसे लगे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ गुजरात में लगातार 10% रहा, जबकि गुजरात एग्रीकल्चर की दुनिया वाला गुजरात नहीं है, वो तो डेजर्ट भूमि है। समझने में देर लगती है आपको भी, अभी नहीं समझ आया होगा, अभी भी आपको लगता होगा ये मोदी कितने दिन है, अपन इकट्ठा करके रखो, कभी काम आएगा। कुछ बचने वाला नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूं। और मुझ में हिम्मत है, चुनाव सामने है, आपके घर में आकर के आपको बात बताने की ताकत के साथ कह रहा हूं दोस्तों। देश के लिए कह रहा हूं, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूं, भारत के भविष्य के लिए कह रहा हूं। और इसलिए मुझे विश्वास है, अब आप देखिए, बेनामी संपत्ति, उस कानून से भी ईमानदारी की व्यवस्था को बल मिल रहा है। साथियों, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से ग्राहक और आप के बीच का भरोसा मजबूत बनाने में इस सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर आप गहराई से उस बात को देखोगे तो आप इसे महसूस कर पाओगे। और मैं चाहूंगा कि आपके यहां कभी इन सारी चीजों का वर्कशॉप हो, आपको एजुकेट किया जाए कि आखिर इन निर्णयों ने आपकी ताकत, आपकी हैसियत कितनी बढ़ा दी है। आज आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हो, पहले भी जाते होंगे, अब तो छुट्टियां बाहर ही मनाते हो आप, थोड़ा ये व्हाइट पेपर जो है, जो टूरिज्म है, उसमें आप जाते हो। पहले जो मिलता होगा आप हाथ मिलाते हो।